तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुए रमेश साहू हत्याकांड के एक फरार आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के बाद से यह आरोपी फरार चल रहा था। इसके पहले 7 आरोपी इस हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ दिन पूर्व हुए रमेश साहू हत्याकांड के पुलिस ने 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे आज क्राइम ब्रांच द्वारा कुक्षी के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। वो वहां रहकर फरारी काट रहा था। आरोपी का नाम हेम सिंह है, जिसकी जिम्मेदारी हत्याकांड के वक्त कुत्तों को नशीला पदार्थ खिलाने की थी। उसके बाद सभी आरोपी अंदर घुसे थे और रमेश साहू की हत्या को अंजाम दिया था। पूरे हत्याकांड में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 1 और 2 सितंबर की रात की घटना है। ये ओम साई राम ढाबा खंडवा रोड पे था। इसमें ढाबे पे रात में रमेश साहू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें और लूटपाट की गई थी। उक्त घटनाक्रम में विवेचना में के दौरान 7 आरोपी गणों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे घटना में प्रयुक्त कट्टे और हथियार और लूटा गया माल भी बरामद हुआ था। इसमें एक शेष फरार आरोपी था, रेम सिंह पिता सूरजी अभील। ये भी इमलीपुरा कुच्छी का रहने वाला था। इसको कल क्राइम ब्रांच और थाना तेजाजी नगर की पुलिस द्वारा इसको पकड़ा गया है और कार्रवाई की गई है। आरोपी को इसके गांव इमलीपुरा से ही पकड़ा गया है और अभी इसके संबंध में घटना के संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। इसके पूर्व के रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है इसके, और पता लगाया जा रहा है कि इसमें पूर्व में कहाँ कहाँ इसने घटनाएँ की।